आइए दोस्तों, सो लास्ट क्लास देयर वाज होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 18 होमवर्क था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। राइट, सो दिस क्वेश्चन वॉज गिवेन टू यू एज होमवर्क, सो वी विल स्टार्ट दिस। एक बार आप लोग रीड कर लीजिए। इज दैट फाइन? आइए तो देखिए, वही वही बनाना, अपने को कैश फ्लो फ्रॉम वही बनाना है। हम बनाएंगे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ओए, राइट? बगल में बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम आईए, इज दैट फाइन? बोलिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करना है अपने को, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो अपने अप्रोप्रिएशन नहीं दिखाएंगे, फर्दर बिफोर टैक्स प्रोविजन दिया है तो टैक्स प्रोविजन एडबैक भी नहीं होगा। सो अपने को दिया हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, दैट इज 36,000 लैक्स। ऊपर में लिख देंगे ऑल फिगर्स आर इन लैक्स। राइट, डिविडेंड पेड, तो नेट प्रॉफिट दिया मतलब डिविडेंड ऑलरेडी अप्रोप्रिएशन में एडबैक होने के बाद ये नेट प्रॉफिट आया है, तो डिविडेंड पेड को सीधा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दस हजार 202 आउटफ्लो बोल के दिखाएंगे। इनकम टैक्स पेड, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन दिया, इसका मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स हैज ऑलरेडी बीन एडेड बैक, तो नीचे हम लोग लेस कर देंगे टैक्स पेड 5,100। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब निकालेंगे तो नीचे हम लोग टैक्स पेड लेस कर देंगे 5,100। ओके, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स सोल्ड और लॉस ऑन सेल दिया है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते वक्त लॉस ऑन सेल 48 एडबैक होगा, और इसका जो सेल प्रोसीड है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालते वक्त दिखाएंगे इनफ्लो, तो 222 बुक वैल्यू है, लॉस 48, तो इसका मतलब बेचा है 174 में।
डेप्रिसिएशन एडबैक होगा, नॉन कैश है। ग्रांट रिसीव्ड एमोर्टाइज्ड इन पीएल, तो लेस एमोर्टाइजेशन ऑब्लिक क्रेडिट ऑफ ग्रांट इन पीएल, और जो ग्रांट मिल रिसीव होगा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड से कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल पीएल में क्रेडिटेड है तो यहां से लेस हो जाएगा, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोग दिखाएंगे सेल प्रोसीड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बुक वैल्यू 33318 है, उसमें 120 जोड़ दो तो 33438, 33438, 120 प्रॉफिट जोड़ दिया बुक वैल्यू में। वी हैव एडेड 120 का प्रॉफिट। इंटरेस्ट इनकम क्रेडिटेड इन पीएल, सो ये ऑपरेटिंग का नहीं है, और यही इंटरेस्ट इनकम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है। तो इंटरेस्ट इनकम यहां पे इनफ्लो के हिसाब से दिखाया जाएगा। याद रखिएगा, वी आर कैलकुलेटिंग इट यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, बाकी ये डायरेक्ट मेथड से आ रहा है, ये भी डायरेक्ट मेथड से आ रहा है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते वक्त अदर देन ऑपरेटिंग हटा देंगे, पीएल में डेबिटेड क्रेडिटेड है तो उसको नलीफाई करेंगे, डेबिटेड है तो एडबैक, क्रेडिटेड है तो लेस। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर डेबिटेड प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिटेड इन पीएल, राइट। अब इंटरेस्ट पेड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, थर्टीन थाउजेंड फोर्टी टू, राइट। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, सो इट विल बी रिगार्डेड एज आउटफ्लो 67,290। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, ट्वेंटी टू थाउजेंड नाइन्टी टू। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन वर्क, कोई बिल्डिंग वगैरह बना रहे हो सकता है, 41688, ये आउटफ्लो है। ग्रांट जो रिसीव हुआ है दैट विल बी रिगार्डेड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स फाइव फाइव एट डबल सिक्स। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स
ऑलरेडी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन दिया हुआ है, राइट? यू कैन हैव अ लुक। तो इसलिए प्रोविजन एडबैक नहीं होगा, दैट वी हैव टू इग्नोर। दैट्स इट, और तो कुछ है नहीं। 6,000 ओपनिंग है, क्लोजिंग कैश 8,000 है, राइट? सो इस टाइप का सम बहुत सिंपल होता है, आपको खाली बैठाना रहता है, केयरफुली यू हैव टू पुट द फिगर्स। तो कैश फ्लो से आएगा, कैश जनरेटेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। सिक्स एट 918, 6,8,918, 6,8,918। तो ये आ गया मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ओए बिफोर टैक्स। जो भी आए उसमें से 67,16,28, तो कैश फ्लो फ्रॉम ओए आएगा 3,4,72 नेगेटिव। राइट सिंपल है, यू कैन सी फुल एट अ ग्लांस। अब हम लोग निकालेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। जस्ट डू द टोटल कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वन सेवेंटी फोर प्लस 3,3,438 प्लस 3,000 माइनस 22,092 माइनस 41,688, टू सेवन 168 नेगेटिव। तो ये भी नेगेटिव आ रहा है, राइट? नाउ लेट अस चेक फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइव फाइव एट डबल सिक्स प्लस 18 माइनस 10,202 माइनस 13,042। थर्टी टू थाउजेंड सिक्स फोर्टी कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी। इज दैट फाइन एवरीवन? साइलेंट कर देना। तो अब हम लोग बनाएंगे
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 3472 नेगेटिव, टू सेवन वन सिक्स एट नेगेटिव, टू सेवन वन सिक्स एट नेगेटिव, और ये है 32640। आ गया 2000 नेट। ओपनिंग सीसी दिया हुआ है 6000। Is that fine? I guess it's okay, everyone. डन, इज दैट फाइन एवरीवन। आइए अब हम लोग इसी टाइप का और सम्स करेंगे एक दो ठो। क्वेश्चन नंबर 21। Just give a reading fast. आइए यहां पर भी बैलेंस शीट नहीं दिया, इसी टाइप का सम है, नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनकम टैक्स एंड इनकम फ्रॉम लॉ सूट। नाउ अगर कोई केस वगैरह होता है उससे अगर कोई इनकम वगैरह आता है दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ इफ देयर इज एनी इनफ्लो आउटफ्लो रिलेटेड टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दैट मस्ट बी डिस्क्लोज सेपरेटली इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनफ्लो ऑब्लिक आउटफ्लो arising from extraordinary item should be disclosed separately in कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कोई भी अगर इनफ्लो आउटफ्लो अराइज होता है एक्सट्रॉर्डिनरी आइटम से शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब जब ओए यहां पर अपने क्या करेंगे ना, एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम बोल के अलग से दिखाएंगे। इज दैट फाइन? तो बोलता है नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इनकम टैक्स, मतलब दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम, ठीक है, बट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग आइटम्स वाज 20 लाख। डेप्रिसिएशन पीएल में डेबिटेड होता है तो एडबैक हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ये भी पीएल में डेबिटेड है एडबैक हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये भी पीएल में डेबिटेड है एडबैक हो जाएगा, बुक वैल्यू और सेल दे दिया इसका मतलब 20,000 का प्रॉफिट है, ये पीएल में क्रेडिटेड है तो लेस हो जाएगा, और इंटरेस्ट रिसीव भी पीएल में क्रेडिटेड है लेस हो जाएगा, राइट। कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड ₹90,000, तो ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम है पीएल में जब बिफोर लिखा है ना ऊपर में, नहीं तो पहले नलीफाई करना पड़ता उसके बाद अलग से दिखाते, बट यहां पे नलीफाई नहीं होगा क्योंकि लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम। इनकम टैक्स पेड नीचे अलग से लेस हो जाएगा 15,000, 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100, 10% इज द डिविडेंड रेट, राइट, लिखने का तरीका होता है वो, 15,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 इज वेयर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अच्छा तो यूजुअली अपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट बनाने से उसमें से रिडेम्पशन आता, बट यहां पर अलग से दे दिया है तो 15 लाख का रिडेम्पशन हो रहा है इनटू 5% एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अपने कुछ नहीं करेंगे, अपने पेमेंट पूरा 15 लाख प्लस 5% करेंगे, तो जो 5% एक्स्ट्रा दिया ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, तो ये पीएल में नहीं जाता, ये पीएल एप्रो में जाता है, और एप्रोप्रिएशन हम ऑलरेडी कर चुके तभी जाके मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स आया है। प्रेफरेंस शेयर का जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होता है दैट इज पीएल एप्रो शेयर होल्डर रिलेटेड, डिवेंचर का होल्डर का जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होता है वो पीएल में जाता है, तो नेट प्रॉफिट से उसको नलीफाई करेंगे, लेकिन ये पीएल एप्रो में जाता है तो पीएल एप्रो का तो ऑलरेडी सारा आइटम नलीफाई हो चुका है, तो ये नलीफिकेशन में नहीं आएगा। इक्विटी शेयर इश्यू हुआ है 20% प्रीमियम में, ठीक है कोई बात नहीं है। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर वॉज ऑल्सो पेड, तो पूरा 15 लाख का 10% दे देंगे। डिविडेंड पेड फॉर द ईयर 0203, तो ये प्रेफरेंस इक्विटी डिविडेंड के बारे में बोल रहा है, और इंटरिम डिविडेंड, ठीक है, लैंड खरीदा बदले में शेयर इश्यू किया, तो ना ही ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा ना ही ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि लैंड के बदले में शेयर इशू किया और शेयर इशू के बदले में पैसा नहीं आया, लैंड आ गया। सारा करंट एसेट करंट लाइबिलिटी का ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया है, बहुत बढ़िया, राइट, एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। जस्ट रीड इट वंस,
स्टार्ट करें, आइए। हमको दिया हुआ है बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, बीस लाख। डेप्रिसिएशन एडबैक हो जाएगा, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, ऐसा सब हमने आपको लास्ट क्लास कराया है, 30,000। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पीएल में डेबिटेड होता है, तो 3.5 लाख एडबैक होगा, लेकिन इंटरेस्ट पेड अपने फिनांसिंग में भी दिखाएंगे एज एन आउटफ्लो। यहाँ पे एक्सपेंस डेबिटेड और इंटरेस्ट पेड सेम है, नहीं तो अलग अलग फिगर देता। बुक वैल्यू 3 लाख है, सेल हुआ है 3,20,000 में, तो पहला बात लेस, प्रॉफिट ऑन सेल है 20,000, तीन लाख का माल 3,20,000 में बेचा, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल प्रोसीड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,20,000 दिखाएगा। तो पीएल में तो प्रॉफिट लॉस जाता है, तो उसको नलीफाई कर दिया, और एक्चुअल में जो फुल सेल वैल्यू है वो हमारा इन्वेस्टिंग में जाएगा। लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड 60,000, अभी ये इनफ्लो माना जाएगा जब अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालेंगे। तो पहला तो ये पीएल में क्रेडिटेड था, हाँ या ना, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिटेड है, तो पहले तो यहां से लेस कर दिया वही निकालते वक्त, और इनफ्लो दिखा दिया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड तो अपने जो बाद में अलग से जब कैश फ्लो बनाएंगे ना, तो इसमें आएगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 90,000, ध्यान से देखिए इसको, राइट सर। ऑपरेटिंग में नलिफाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये बिफोर एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा लास्ट में हम लोग करेंगे लेस टैक्स पेड,
फाइनल, क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये हमारा ऑलरेडी प्रोविजन एडेड है, तो जो टैक्स पेड है 10,50,000 वो ओए निकालते वक्त अपने नीचे लेस कर देंगे। इज दैट फाइन? तो कैश फ्लो जब बनाएंगे तो उसमें ये एक्स्ट्रॉडिनरी आइटम अलग से दिखाना पड़ेगा, ये AS3 का गाइडलाइन है। उसके बाद 15,000 प्रेफरेंशियल रिडेम्पशन हुआ है तो यहां पे दिखाएंगे, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। पंद्रह हजार प्रेफरेंस शेयर है, सौ वाला 15 लाख आ गया, इसमें प्लस 5% कर देंगे, राइट है? यस और नो? अच्छा, अब ये जो 5% एक्स्ट्रा है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये शेयर होल्डर रिलेटेड है, तो ये एप्रोप्रिएशन में इसके पहले ऑलरेडी आ चुका है, एप्रोप्रिएशन में इसके पहले ऑलरेडी आ चुका है। राइट? नहीं तो अपने इसको भी नलीफाई करते। इज दैट फाइन एवरीवन? ऑलरेडी ऊपर आ चुका है यहां पे, इसके पहले डिफरेंस इन पीएल एड एप्रोप्रिएशन में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ट्रांसफर टू रिजर्व प्रपोज डिविडेंड। अभी बोला है साथ में प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे ऑफ हुआ है तो वो तो फेस वैल्यू पे होगा, 15 लाख का 10%। डेढ़ लाख पिछले साल का डिविडेंड पे हुआ है, 0203, 5 लाख का, और इस साल इंटरिम डिविडेंड भी पे ऑफ हुआ है, तीन लाख का। हमारा फाइनेंशियल ईयर 3-4 है तो बोला पिछले साल का आपने पेमेंट किया और इस साल का इंटरिम डिविडेंड। कई बार कंपनी में बहुत अच्छा पोजीशन रहता है तो वो लोग इंटरिम डिविडेंड देती है। रिडेम्पशन करने के लिए हम लोगों ने इक्विटी शेयर इशू किया 50,000 ₹10 का 20% प्रीमियम में, तो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर दिखाएंगे, 50,000 शेयर 12 करके,
डन, सॉरी, इशू ऑफ शेयर्स तो आपका वो आएगा ना, इनफ्लो है। इज दैट फाइन एवरीवन? अब आगे क्या बोला है, तो प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन एक्स्ट्रा जो है वो पीएल एप्रो में जाता है। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड बोला है रिडेम्पशन एंड में हुआ है, पिछले साल का डिविडेंड, करेंट ईयर का सुपर डुपर प्रॉफिट होने से इंटरिम डिविडेंड, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिडेम्पशन के लिए इक्विटी शेयर फाइनेंस किया है, लैंड खरीदा है उसके बदले में शेयर इश्यू कर दिया, ना ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिखाएंगे ना ही अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी दिखाएंगे, राइट? क्योंकि कोई पैसा आया है ना गया है, कैश फ्लो है ही नहीं है, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश है, डन। अब बाकी सारा करंट एसेट करंट लाइबिलिटी है, टोटल में है आपका 7। तो आइए, तो ये हमारा आ गया यहां पर कैश, जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, करिए कितना हो रहा है, बीस पांच 25 प्लस 30,000 प्लस 3.5 लाख माइनस 20 और 60 80,000, 28 लाख आ रहा है प्लस माइनस सी ए ऑब्लिक सी एल। स्टॉक में इंक्रीज हुआ है माइनस चेंज इन स्टॉक 1,18,000, डेटर बढ़ा है माइनस चेंज इन डेटर 5,000, बिल्स रिसीवेबल गिरा है प्लस चेंज इन बीआर, गिरा मतलब पैसा आया है ना, बिल्स पेबल गिरा है, लाइबिलिटी मतलब पैसा गया है, क्रेडिटर इंक्रीज हुआ है प्लस चेंज इन क्रेडिटर, पांच हजार 300, और आउटस्टैंडिंग बड़ा है प्लस होगा, हम लोग वो सब टोटल नहीं निकाल के डायरेक्टली कैश फ्लो निकाल देते हैं, ठीक है? तो 28 लाख था, माइनस 1,18,000, अच्छा प्लस 5,300 प्लस 6,800 माइनस 10,50,000, 1,644,100 डायरेक्टली आ गया, राइट? इज दैट फाइन?
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बहुत सिंपल है, सिक्स लाख इक्विटी शेयर इनफ्लो है, बाकी सब आउटफ्लो है। ₹22 लाख 75,000 नेगेटिव, 22,75,000, राइट। अब बैठा दो 16,44,100, 3,80,000, 16,44,100 प्लस 3,80,000 माइनस 22,75,000 प्लस 90, 16,900 प्लस ओपनिंग सीसीई 35,300, 35,300, सॉरी ओपनिंग वाला लिखेंगे ना, ओपनिंग वाला कितना है 196,300, 16,900 माइनस में था प्लस 196,300, 35,400। वो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको ठीक कर लीजिए। क्लोजिंग कैश बैलेंस विल बी 35,400। देर इज स्लाइट प्रिंटिंग मिस्टेक, आप उसको ठीक कर लीजिए बुक में। क्लोजिंग कैश बैलेंस इज 35,400। तो इसमें हम लोग काफी सारा चीज नया सीखा है। मेन तो ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम है, इट शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली, शुड बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली इन कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS 13, सorry AS 3। मैंने आपको पहले जब फर्स्ट क्लास में हेडिंग लिखा था कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसके बगल में मैंने आपको लिख दिया था AS 3।
इज दैट फाइन एवरीवन? समझ में आ रहा है आप लोगों को? राइट, सो नाउ वी विल डू वन मोर प्रॉब्लम. इसी टाइप का है, थोड़ा सा स्लाइट हटके है. तो बेसिकली एज ऑफ नाउ वी हैव डन थ्री प्रॉब्लम्स. तीन टाइप का प्रॉब्लम किया है. मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ. आपको टाइप मालूम होगा तो आपको स्टेप्स भी मालूम होगा. कैश अकाउंट देगा तो आप डायरेक्टली कैश फ्लो बना सकते हैं. टाइप टू में दे विल गिव यू टू बैलेंस शीट प्लस वन PL. So you have to first of all prepare various accounts, right? And then cash flow statement. And type 3 is two balance sheet only. So you have to prepare here also various accounts, but that should be related to FA / IA. यहाँ पे जो वेरियस अकाउंट्स है FA / IA / OA, राइट? तो यहाँ पे OA इनडायरेक्ट मेथड से आएगा. OA यूजिंग बार बार मैं बोलता ही रहूंगा ये चीज, मेरा फर्ज है ये बताना आपको. अब आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 में. सॉरी 22 या 21, जस्ट चेक 22. फर्नीचर का बुक वैल्यू और सेल प्राइस दे दिया. मशीनरी कितना में खरीदा ये बता दिया. प्रेफरेंस शेयर क्या रिडीम हुआ ये बता दिया. इक्विटी शेयर क्या इशू किया वो भी बता दिया. प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड दिया है, इक्विटी शेयर का भी डिविडेंड दिया है पिछले साल का. राइट, अच्छा तो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फिनेंसिंग आ जाएगा. टोटल सेल्स दे दिया, टोटल परचेज दे दिया, एक्सपेंस दे दिया, मतलब PL का इंफॉर्मेशन दे दिया है. और मेरे को नीचे में डेटा स्टॉक क्रेडिटर दे दिया है, राइट? सो इसका मतलब मेरा यहां पे OA आएगा डायरेक्ट मेथड से बाय प्रिपेयरिंग अकाउंट्स. तो इन्वेस्टिंग और फिनेंसिंग अकाउंट्स बना के दे हैव गिवन यू द फिगर्स, राइट? सो लेट अस स्टार्ट. एक हम लोगों को बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम OA, बट यहां पे याद रखिएगा यूजिंग डायरेक्ट मेथड, क्योंकि PL वगैरह दे दिया, PL का इंफॉर्मेशन दे दिया, तो वी कैन प्रिपेयर सेल्स अकाउंट ब्ला ब्ला ब्ला, वी कैन प्रिपेयर, राइट? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगा. कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी भी आ जाएगा. राइट, और ये सब डायरेक्ट मेथड से, सारा सम डायरेक्ट मेथड से है. आइए,
फर्नीचर 15,500 का डिस्पोज हुआ है 12,000 में, सेल प्रोसीड ऑफ फर्नीचर, ये टाइप टू प्रॉब्लम है। अच्छा तो लॉस ऑन सेल हो गया 3,500, लॉस ऑन सेल 3,500, उसको ये OA बनाते वक्त नहीं लेंगी क्योंकि अपने डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? OA इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय डायरेक्ट मेथड, तो लॉस ऑन सेल को कंसीडर नहीं करना। अगर नेट प्रॉफिट से स्टार्ट किए होते तब। परचेज ऑफ मशीनरी 3,10,000 का है, 20,000 इरेक्शन, 3,30,000, एट परसेंट प्रेफरेंस शेयर है तुम्हारा, वो डिविडेंड का रेट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 10,00,000 रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 3%। पिछला सम जैसा ही है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 10,00,000 प्लस 3% एक्स्ट्रा, तो आएगा 10,30,000। नाउ ध्यान रखिएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एप्रोप्रिएशन में नलीफाई होता है, बट सिंस OA डायरेक्ट मेथड से है तो कुछ भी नहीं होगा, OA का कुछ भी नहीं होगा, सीधा इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ ऑपरेशन लेंगे। इसके लिए हम लोगों को इशू करना पड़ा, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, 60,000 इक्विटी शेयर हमने इशू किया है 10 रुपया का एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, वही 2 पर शेयर, तो ये आएगा हमारा 7,20,000। राइट, उसके बाद लिखा है डिविडेंड पेड, डेढ़ लाख 40,000 और 1,10,000। डन, इज दैट फाइन एवरीवन? तो पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। टोटल सेल्स है 32,00,000 का, उसमें से कैश सेल्स है 11,50,000, तो कैश सेल्स तो डायरेक्टली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माना जाएगा, और डेटर अकाउंट बना के उससे कलेक्शन फ्रॉम डेटर निकाल लेंगे। ठीक है, परचेज में लिखा है कैश परचेजेज है 60,000, और क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिट परचेज बैठाएंगे तो पेमेंट टू क्रेडिटर आ जाएगा। टोटल एक्सपेंस 12,40,000, देखो अनपेड एक्सपेंसेस का अकाउंट दिया है, वहां पे बैठाने से मेरा एक्सपेंस पेड आ जाएगा। ठीक है, टैक्स पेड में बोला डिविडेंड टैक्स, तो डिविडेंड टैक्स तो मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है 22,500, 3 ठो जगह छोड़ के लेस टैक्स पेड, तो 3,30,000 में 22,500 अगर ये वाला टैक्स है जो अलग से दिखा दिया, तो बाकी आएगा 307,500, क्योंकि हमने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था डिविडेंड टैक्स फिनेंसिंग एक्टिविटी होता है, नॉर्मल इनकम टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। तो टोटल टैक्स 3,30,000 है, उसमें डिविडेंड टैक्स यहां पर आ गया, बाकी का इनकम टैक्स यहां आएगा। अभी अपने को तीन चीज निकालना है, हमारा सम हो जाएगा। एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स,
एक पेमेंट टू क्रेडिटर्स और एक एक्सपेंसेस पेड, ये दो तो नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा, तो ये आ रहा है हमारा 3,18,000 नेगेटिव। राइट कैश फ्लो फिनेंसिंग एक्टिविटी, दस लाख 30,000 नेगेटिव, 1.5 लाख नेगेटिव, 22,500 नेगेटिव और 7,20,000 पॉजिटिव, तो 482,500 नेगेटिव। इज़ दैट फाइन एवरी वन? तो अभी अपने को क्या क्या बनाना है, डेटर क्रेडिटर और एक्सपेंसेस। वर्किंग नोट नंबर वन, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, अनपेड एक्सपेंसेस अकाउंट। तो हमारा डेटर है 8,00,000, पहले ओपनिंग दिया है, ठीक है, ये दिया हुआ है 1.5 लाख, क्लोजिंग है 147, क्रेडिटर का ओपनिंग दिया हुआ है 78, क्लोजिंग है 83, अनपेड का 63, क्लोजिंग है 55। इज दैट फाइन? यहाँ पे आएगा टू क्रेडिट सेल, 20,50,000, बाई परचेजेस 7,40,000 और बाई पीएल टोटल एक्सपेंस है 12,40,000। तो यहाँ पर आएगा बाई कैश बैलेंसिंग फिगर 20,53,000, टू कैश बैलेंसिंग फिगर 7,35,000,
टू कैश बैलेंसिंग फिगर 12,48,000। तो सेल क्रेडिट सेल बैठा दिया हमारा, कलेक्शन आ गया, क्रेडिट परचेज बैठा दिया पेमेंट आ गया, टोटल एक्सपेंस बैठा दिया हमारा ये आ गया। इज दैट फाइन एवरीवन? आई गेस एवरीवन इज ओके विद इट। नॉर्मल, अगर अपने को स्टॉक देता और सीओजीएस देता तो पहले स्टॉक से हमारा सीओजीएस बैठाते, परचेज आता, उसमें से कैश परचेज हटाते, क्रेडिट परचेज यहां लिखते हैं। सो आइए हम लिखेंगे 20,53,000, 7,35,000, 12,48,000। कैश परचेज नेगेटिव है, हो जाता है कभी कभी बेटा, हम भी इंसान हैं। 11,50,000, 20,00,000, 53,000 माइनस 795,000 माइनस 852,500। यहाँ पे कोई भी लॉस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, प्रीमियम, डिविडेंड कुछ नलिफाई नहीं होगा, बिकॉज आई एम डूइंग इट बाय डायरेक्ट मेथड। मैं डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर ये सब कुछ भी नहीं होगा। तो ये तीन हमने अकाउंट बना के निकाला है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो आइए बनेगा हमारा खूबसूरत सा कैश फ्लो स्टेटमेंट। 852,500 अच्छा, हमारे क्वेश्चन में हमको क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है, तो ये वाला हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा। Is that fine? So like this we will do it. Working notes आप लोग देख लीजिए, ठीक है? So फिर हम लोग कल मिलेंगे, right? थोड़ा ये issues हुआ था आज online में, तो we have recorded this lecture.
विल बी शेयरिंग यू एंड वी विल बी रनिंग दिस प्रीमियर शो टुमारो. ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.